हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के बारे में। क्या सो ये एक एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड है जिसकी मदद से हम बेसिकली क्या यूज क्या निकालते हैं, एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं, उसका क्या अपरेटस है, ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड की अगर हम बात करें, रोटेटिंग क्रिस्टल अगर हम मेथड की बात करें, तो हम इसे किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को। अब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर किस चीज़ से फाइंड आउट करा जाता है, वो फाइंड आउट करा जाता है ब्रैग्स इक्वेशन से, मतलब कि 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा से, 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा से। ठीक है, इस इक्वेशन से d की वैल्यू निकाली जाती है, थीटा और लैम्डा को या तो फिक्स करा जाता है या वेरी करा जाता है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। इस मेथड में, मतलब रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में, जो थीटा है वो वेरिएबल है, मतलब कि बदलता रहता है अलग अलग प्लेन्स के लिए, वो थीटा बदलता रहता है। थीटा बेसिकली क्या है, ग्लेंसिंग एंगल है, मतलब कि किस एंगल पर आप इंसिडेंट रे को, मतलब कि एक्स रे को डालते हो एक क्रिस्टल के ऊपर। जैसे ये प्लेन है तो ये एक्स रे ऐसे आई, तो एंगल थीटा कितना है, 90 डिग्री। अगर ये ऐसे आई तो 60 डिग्री, 80 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा है वो वेरिएबल है, मतलब कि वो चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होगा सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो थीटा यहाँ वेरी करेगा, उसके बाद जो लैम्डा है वो कांस्टेंट रहेगा। लैम्डा है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब ये कि हम जो यूज़ करेंगे, जो हम एक्सरे यूज़ करेंगे वो मोनोक्रोमेटिक होगी। कौन सी होगी, मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, जो एक्सरे हम यूज़ करेंगे वो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे होगी। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि एक एक्सरे की जो वेवलेंथ होगी वो फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने अभी आपको क्या बताया है कि भाई रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड क्रिस्टल स्ट्रक्चर को यूज़, मतलब कि फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करा जाता है। ब्रैग्स इक्वेशन इसमें यूज़ की जाती है, जहाँ पर थीटा वेरी करा जाता है। ठीक है, थीटा वेरी करा जाता है और लैम्डा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब एक्सरे यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक होती है। ठीक, अच्छा, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो क्रिस्टल हम यूज़ करते हैं, मतलब कोई क्रिस्टल तो होगा ना, एक क्रिस्टल का ही तो डी निकालेंगे भाई। डी क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, प्लेन्स के बीच की दूरी। अब प्लेन्स किसके अंदर होंगे, क्रिस्टल के अंदर होंगे। तो हमें बेसिकली क्या काम करना है, क्रिस्टल के डी निकालना है। क्रिस्टल का क्या निकालना है, डी निकालना है। तो कोई क्रिस्टल तो लोगे। अब यहाँ पर जो हम क्रिस्टल लेते हैं वो सिंगल क्रिस्टल होता है, सिंगल क्रिस्टल होता है ऑफ साइज 1 mm, ऑफ साइज 1 mm, मतलब कि एक छोटा सा, हम क्या लेते हैं, छोटा सा स्क्वायर ले लेते हैं क्रिस्टल का। ठीक है, बहुत ही पतला, इतना पतला लेते हैं कि उसकी जो लेंथ हो वो 1 mm हो सिर्फ। ठीक है, 1 mm उसकी लेंथ हो, जो ये रहा, दिख रहा होगा आपको, ये क्रिस्टल है। सिंगल क्रिस्टल का मतलब क्या है कि कोई इम्प्यूरिटी ना हो, कोई दूसरा मटेरियल ना हो, कोई दूसरा एलिमेंट ना हो, जिस क्रिस्टल की हमें डी निकालना है सिर्फ और सिर्फ वही हो। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। तो अगर हम रोटेटिंग क्रिस्टल में, ये बातें याद रखना कि थीटा वेरी करता है, लैम्डा कांस्टेंट होता है, जो क्रिस्टल है उसका साइज जो होता है वो होता है करीब करीब 1 mm। ठीक, अब बात करते हैं अपरेटस की, कि अपरेटस क्या है, मतलब कि अरेंजमेंट क्या है हमारे रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड का। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक सिलेंडर है ऐसे करके। ठीक है, एक क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर जानते हो ना, सिलेंडर तो जानते होगे, सिलेंडर एक सिलेंडर है यूं करके। ठीक, ऐसे करके खुला हुआ सिलेंडर, ऊपर खुला हुआ है, नीचे खुला हुआ है, एक सिलेंडर है, ये दिख रहा होगा सिलेंडर। हमने क्या काम कर दिया, उसकी जो इनर लेयर है, मतलब कि जो अंदर की जो दीवार है, हमने क्या काम कर दिया, उस पर फोटोग्राफिक प्लेट को चिपका दिया, फोटोग्राफिक प्लेट को चिपका दिया। तो ये जो लाइनिंग दिख रही होगी, ये अंदर की लाइनिंग है, देखो ये अंदर है, ऐसे करके हमने क्या काम कर दिया, फोटोग्राफिक प्लेट को चिपका दिया। फील करते रहना ध्यान से, फील करो कि एक भाई साहब एक सिलेंडर है, उसके अंदर हमने क्या काम कर दिया, एक फोटोग्राफिक प्लेट को चिपका दिया। ठीक है, सही, अच्छा, उसके बाद हमने क्या काम करा, नीचे से हम ऐसे करके एक स्टैंड लेकर आए यूं करके, और उस पर हमने अपने क्रिस्टल को ऐसे करके लटका दिया। ऐसे नीचे से हमने क्या करके लाए, एक स्टैंड खरीद के नहीं लाए, मतलब नीचे से ऐसे करके रख दिया। देखो ये स्टैंड है, ये इसके अंदर ये क्या बनाया मैंने, ये हम जैसे सिलेंडर के अंदर रखा है क्रिस्टल, तो देखने के लिए मतलब जुगाड़ पेला है। तो हमने ये अंदर की कहानी है, डॉट 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 डॉट, मतलब कि सिलेंडर की अंदर की कहानी है। ठीक है,
तो भाई समझ में आया अरेंजमेंट? अरेंजमेंट क्या है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर से नीचे एक स्टैंड से हमने क्रिस्टल को ऐसे, मतलब कि सिलेंडर के बीचों बीच हमने क्रिस्टल को ऐसे करके खड़ा कर दिया, और क्रिस्टल जो है वो ऐसे करके नीचे एक स्टैंड है, रोटेटिंग स्टैंड जो रोटेट कर सकता है। यहाँ समझो ये सिलेंडर है, ये क्रिस्टल बीचों बीच यहाँ आ गया सिलेंडर के बीचों बीच, अब ये रोटेट कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है, सही है। उसके बाद सिलेंडर की इस दीवार से, मतलब कि ऐसे यहाँ से हमने एक दो ऐसे करके पाइप डाल दिए, पाइप कह लो बेसिकली ये कोलीमीटर्स होते हैं, ऐसे करके हमने एक वो डाल दिए, जिससे होगा क्या कि एक्सरे आर पार होगी, जिससे एक्सरे क्या होगी आर पार होगी, ऐसे करके देखो यहाँ से एक्सरे आएगी क्रिस्टल पर टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा बाद में देखेंगे, अभी सिंपल सा समझो, एक्सरे आएगी क्रिस्टल पर टकराएगी, और हो सकता है कि कुछ एक्सरे जाएंगी भी, तो ये एक्सरे लीव है, ये एक्सरे इंसिडेंट है, ये एक्सरे इंसिडेंट है, ये एक्सरे लीव है। तो अरेंजमेंट समझ में आया, सिंपल सा अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट समझ में आया। अरेंजमेंट क्या है कि भैया एक सिलेंडर है, सिलेंडर के हमने वॉल्स पर, मतलब कि जो इनर लेयर है उसमें हमने फोटोग्राफिक प्लेट को चिपका दिया, बीचों बीच हमारा क्रिस्टल रखा हुआ है जो रोटेट कर रहा है, उसके आजू बाजू में मतलब कि इधर और इधर हमने क्या काम कर दिए हैं, एक्सरे यहाँ से आ रही है यहाँ पर जा रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब शुरू करें, ठीक है, अब होगा क्या, मतलब कि किस तरीके से डी की वैल्यू या फिर किस तरीके से क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करा जाएगा, तो देखो जरा ध्यान से, इसको हटा दें, चल हाँ, तो भाई साहब शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दिमाग लगाने वाली बात कि 2D साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, मतलब ये कि जैसे ही एक्सरे यहाँ से जाएगी, जैसे सुनते रहे ना, जैसे ही एक्सरे यहाँ से जाएगी तो क्रिस्टल पे टकराएगी, ऑब्वियसली बात है क्रिस्टल के अंदर टकराएगी, और जो क्रिस्टल है वो रोटेट कर रहा है, क्रिस्टल क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे प्लेन्स होंगे, एक क्रिस्टल के अंदर क्या होंगे बहुत सारे प्लेन्स होंगे, D100 111 111 बहुत सारे प्लेन्स होंगे, तो ये क्या काम कर रहा है रोटेट कर रहा है, मतलब कि ये कि जैसे मान लो ये प्लेन है, सुनते रहना ध्यान से, मान लो ये प्लेन है, हमारी जो एक्सरे आई वो क्या है लैम्डा, और लैम्डा फिक्स है, मतलब जो एक्सरे हमारी आ रही है उसका जो लैम्डा क्या है फिक्स है, वो बदल नहीं रहा क्योंकि मोनोक्रोमेटिक एक्सरे है। तो ये प्लेन है लैम्डा, एक्सरे ऐसे आई टुक रिफ्लेक्शन, मतलब ऐसे करके आई, यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये प्लेन्स उसी, सुनते रहे ना, ये वाले जो प्लेन्स होगा, ये जो प्लेन है ये उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा जिस एंगल पर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सुनो, देखो ये एंगल, ये प्लेन है क्रिस्टल के अंदर, एक प्लेन है ऐसे करके, ठीक है, एक्सरे ऐसे करके आई, ये 90 डिग्री है, अब अगर मैं थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री डालूं और लैम्डा के प्लेस में इस लैम्डा, मतलब इस एक्सरे की वेवलेंथ डालूं, तब ये जो प्लेन का डी है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, सिंपल सी बात है भाई, ये ऐसे करके प्लेन है तो ये क्या काम करेगा, ये एक्सरे आया लैम्डा आया तो इसने कहा कि अच्छा भाई तू लैम्डा है तो अगर इतने एंगल पे तो मैं तुझे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इतने एंगल पर मतलब 90 डिग्री पर मैं ब्रैक्स इक्वेशन को फॉलो या फिर सेटिस्फाई नहीं करूँगा। बहुत बढ़िया, तो इस प्लेन ने इस लैम्डा को, मतलब इस एक्सरे को मना कर दिया कि भाई मैं इतने एंगल पर मैं तुझे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई मैं ब्रैक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि प्लेन्स का ही तो डी होता है ना। अब ये घूमा, घूम गया, अब एंगल होगा ये वाला, क्योंकि एंगल अब देखो 90 डिग्री नहीं है, बदल गया है। अब भी ये कह रहा है कि नहीं भाई नहीं, इस एंगल पे मैं तुझे रिफ्लेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि भाई मैं ब्रैक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अच्छा, फिर हमने क्रिस्टल को ऐसे घूम गया, लेट्स से ऐसे करके, अब एक्सरे आई, अब ये कहता है कि हाँ भाई साहब इस एंगल पे मैं तुझे रिफ्लेक्ट कर दूंगा। मतलब कि जो सेट्स ऑफ प्लेन होंगे एक क्रिस्टल के अंदर वो एक पर्टिकुलर एंगल पर ही लाइट को, मतलब एक्सरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। सुनते रहना ध्यान से, मतलब कि रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में क्या होगा, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में ये होगा कि जो जितने भी प्लेन्स होंगे, कोई प्लेन ऐसे होगा, कोई प्लेन ऐसे होगा, कोई प्लेन ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई भी प्लेन हो वो क्या काम करेगा, एक पर्टिकुलर एंगल पर ही उसको घुमाते रहेंगे और एक एंगल मिल गया, रिफ्लेक्शन हो गया, एक पर्टिकुलर एंगल पे ही लाइट को, मतलब कि एक्सरे को
रिफ्लेक्ट करेगा और डिफ्रैक्शन पैटर्न देगा, और क्या करेगा, डिफ्रैक्शंस के पैटर्न देगा, मतलब कि डार्क ब्राइट देगा, क्लियर। मतलब कि वही एक ही एंगल होगा एक प्लेन सेट ऑफ प्लेन्स के लिए जहां पर ब्रैक्स लॉ सेटिस्फाई होगा, यहां तक क्लियर है। और उसी की ही मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और उसी के ही स्पॉट्स हमको इस फोटोग्राफिक प्लेट पे, वो जो फोटोग्राफिक प्लेट है ना जैसे अंदर लगाई थी उसमें देखने को मिलेंगे। बोलो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है, ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट भाई साहब क्या था कि एट अ पर्टिकुलर एंगल फॉर अ सेट ऑफ प्लेन, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन सेटिस्फाई द ब्रैक्स इक्वेशन, द ब्रैक्स इक्वेशन। एक पर्टिकुलर एंगल पर ही, एक पर्टिकुलर एंगल पर ही जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे वो ब्रैक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसी के ही हमको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि स्पॉट्स देखने को मिलेंगे कैसे, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, पहले ये बताओ। यहाँ पर लैम्डा कॉन्स्टेंट है ना, देखो लैम्डा तो कॉन्स्टेंट हो गया, डी अगेन वो तो एक प्लेन्स का कॉन्स्टेंट रहता है, तो डी डिसाइड करेगा थीटा की वैल्यू, डी थीटा डिसाइड करेगा थीटा की वैल्यू। वो ये कहेगा कि इस एंगल पर मैं तुझे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तू जाओ दूसरा एंगल लेकर आ, रोटेशन हो जाए, दूसरा रोटेशन हो गया, फिर वो कहेगा कि इस एंगल पे मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, तू जा तीसरा एंगल पे, हाँ मैं कर दूंगा तू कर, ठीक। ये वाली बात क्लियर हुई। अब सवाल ये आता है कि ये जो रिफ्लेक्शन पैटर्न होंगे, मतलब वो जो डार्क स्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे वो किस कदर किस मतलब कैसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और सुनना, सुनो मेरी बात ध्यान सुनना। ये ऐसे करके प्लेन होंगे, क्रिस्टल हैं ऐसे करके घूम रहे होंगे। अच्छा ये वाला प्लेन क्या रिफ्लेक्शन दिखाएगा, दिखाएगा बिल्कुल दिखाएगा, देखो ना दिखा सकता है ऐसे करके रिफ्लेक्शन दिखा देगा, ठीक है। ये वाला प्लेन भी रिफ्लेक्शन दिखा देगा, ये वाला प्लेन भी रिफ्लेक्शन दिखा देगा, ये सारे प्लेन रिफ्लेक्शन दिखा देंगे। कौन से प्लेन रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएंगे, मतलब कि कौन से प्लेन रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन कह लो, कौन से प्लेन रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, मतलब कैसे भी एक्सरे आ जाए वो कुछ नहीं करने वाले, क्या ये जाए हम कुछ कर ही ना रहे। वो प्लेन सुनना, वो ऐसे करके प्लेन, एक मान लो प्लेन ऐसे हैं, वो प्लेन जो एक्सरे के पैरेलल होंगे, वो प्लेन जो एक्सरे के पैरेलल होंगे वो रिफ्लेक्शन दिखाएंगे ही नहीं, मतलब उनका कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा ही नहीं, समझे कि नहीं समझे। देखो ये वाला प्लेन है, अब एक्सरे ऐसा आया, कुछ हुआ ही नहीं ना, इसने तो कोई रिफ्लेक्शन करा ही नहीं, ना रिफ्लेक्शन करा कुछ होगा ही नहीं, मतलब कि वो प्लेन्स जो एक्सरे के पैरेलल होंगे या फिर जो एक्सरे को कंटेन कर लेंगे, देखो ऐसे करके इसके कंटेन हो गया ना, ऐसे करके एक्सरे इसके अंदर समा गया, ओहो समा गया, कैसी बातें कर रहे हो सर जी नहीं, ठीक। मतलब ये है कि भैया एक्सरे क्या हो गया, समा गया एक प्लेन का, अगर एक्सरे किसी प्लेन के अंदर समा जाए, उसके हॉरिजॉन्टल निकल ले, तो वो रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएगा, वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात भी समझ में आती है कि मतलब कि वो प्लेन्स, सो प्लेन्स विच आर पैरेलल टू एक्सरे नॉट रिफ्लेक्ट एक्सरे, वो एक्सरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। ये वाली बात क्लियर हुई, यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया। अच्छा अब समझना है कि ये जो पैटर्न हमें फोटोग्राफिक प्लेट्स में हमको किस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा, मतलब हमको स्पॉट जो मिलेंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस दो पॉइंट्स को नोट कर लें, हटा दें, चले। अब जो हमें पैटर्न देखने को मिलता है वो हमें मिलता है कुछ इस तरीके से, मतलब कि हमें एक लाइन्स देखने को मिलती है। इसको पहले समझाना, ध्यान समझना। जैसे ये एक सिलेंडर है, ठीक है, हमने क्या काम करा, एक्सरे डाला, तो हमने देखने को मिला कि एक तो बीचों बीच हमें एक लाइन मिली, टक 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 टक, डॉट 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 मिलके एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई, जिसको हम कहते हैं लेयर लाइन। ऐसे ही फिर ऊपर मिली, फिर और ऊपर मिली, फिर और ऊपर मिली, फिर नीचे मिली, फिर नीचे मिली, करके दिखाता हूँ। देखो 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 देखो, यहाँ क्रिस्टल था, यहाँ क्रिस्टल है, तो
तो हमने जब लाइट डाली तो एक तो हमको ऐसे यहाँ पर लेयर वो मतलब स्पॉट्स मिले यूं करके, मतलब कि यहां पर ऐसे करके स्पॉट्स मिले चारों तरफ, है ना, ऐसे करके चारों तरफ स्पॉट्स मिले। एक हमको ऐसे मिले यहां पर, ऐसे ही ऊपर मिले, ऐसे करके ऐसे यहाँ पर बीच में। ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फिगर समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब कि जब हमने उस फोटोग्राफिक प्लेट को देखा तो एक तो हमको बिल्कुल सेंटर में डॉट 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 करके एक लाइन देखने को मिल रही थी चारों तरफ, है ना, ऐसे ही ऊपर देखने को मिल रही थी, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे करके हमको लेयर्स मिल रही थी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करके खोल लूँ, यहाँ से मैं ना ऐसे करके सिलेंडर था ना, उसको उस फोटोग्राफिक प्लेट को ऐसे करके सिलेंडर से निकालूँ और फिर उसको ऐसे करके खोल लूँ, जब उसको ऐसे करके खोल दूंगा तो मुझे ऐसे करके लाइन्स नहीं मिलेंगी यूं करके, ऐसे करके एक लाइन ऐसे मिल जाएगी, एक ये सेंट्रल लाइन हो जाएगी, एक लाइन ऐसे हो जाएगी, एक लाइन ऐसे हो जाएगी, एक लाइन ऐसे हो जाएगी, बहुत सारी लाइन्स मिलेंगी। इनको कहते हैं लेयर लाइन्स, इनको कहते हैं लेयर लाइन्स। क्या कहते हैं मेरे भाई? लेयर लाइन्स। अब सवाल ये आता है कि लाइन्स क्यों आई, अब सवाल ये आता है कि ये लाइन्स क्यों आई। सिंपल है, देखो आराम से टेंशन फ्री। देखो एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन्स हैं, इतनी तो बात समझ में आती है, अलग अलग तरीके के प्लेन्स हैं। मान लो मैं ये वाला प्लेन ले लेता हूँ, ये वाला प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है सॉरी। अब इसमें होगा क्या, ध्यान समझना, जब ये प्लेन रोटेट होगा तो रोटेट तो ऐसे ही होगा ना यूं करके, या तो ऐसे ऐसे रोटेशन करेगा, ऐसे तो रोटेशन करेगा नहीं, ऐसे ही रोटेशन करेगा ना यूं करके। तो मान लो यहां पर है एक्सरे आई, ऐसे करके होगा क्या कि यहां पर हो जाएगा बैंड, या तो कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और दो डॉट मिलेंगे। अब सिलेंडर के अंदर फील करना है इस चीज को, आप सिलेंडर के अंदर बैठे हो या तो क्रिस्टल को, एक डॉट वहां मिला, एक डॉट वहां मिला, अगर ऐसे करके आई, अब ये घूम गया यूं करके, तो लाइट ऐसे आएगी, रिफ्लेक्शन कहां होगा, ऐसे, मतलब एक उधर गया एक इसके सामने, ऐसे कुछ वहां चला गया कुछ इधर चला गया। अब ये इधर हो गया तो लाइट ऐसे करके फिर वहां बैंड करेगी, फिर ऐसे हो गया तो लाइट ऐसे करेगी। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये प्लेन क्या करेगा, ये जैसे जैसे घूमता रहेगा वैसे वैसे स्पॉट्स बनाता चला जाएगा, टक 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 टक, पूरे ऐसे करके स्पॉट्स बना देगा। ठीक, तो इस वाली को, ये जो बीच वाली जो लाइन है, ये जो सेंट्रल, ये जो सेंट्रल लेयर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा। देखो ना, ये वाले जो प्लेन होंगे ये हमेशा 90 डिग्री पर रहने वाले हैं। यहाँ पर जो थीटा है, ग्लेंसिंग एंगल है, वो हमेशा 90 डिग्री पर ही होगा। मतलब कि जो बीच की जो सेंट्रल लाइन आएगी, जो सेंट्रल लेयर लाइन आएगी, वो क्या शो करेगी? वो ये शो करेगी कि जो ग्लेंसिंग एंगल है, जो थीटा है, वो 90 डिग्री है। ये वाले पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेंट्रल लेयर के लिए थीटा 90 डिग्री होगा। अब ये ऊपर वाली लेयर कैसे आई, ये नीचे वाली लेयर कैसे आई? कोई दूसरा प्लेन होगा, सिंपल सी बात है। ऐसे करके मान लो कोई प्लेन है, अब वो ऐसे करके रोटेट करेगा यूं करके, ऐसे करके प्लेन आई यूं करके, तो वो कैसे कर रोटेट करेगा? ऐसे करके, ऐसे करके तो रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे तो रोटेट करेगा नहीं। अब यहाँ है, मान लो यहाँ पर है, तो लाइट ऐसे आई, ऊपर की तरफ रिफ्रैक्ट होगा। देखो ऐसे आई, ऊपर की तरफ रिफ्रैक्ट होगी यूं करके, आ रहे हो समझ में? अब इधर आ जाओ, लाइट तो ऐसी आएगी ना, ऐसे आई उधर की तरफ रिफ्रैक्ट होगा ऐसे, फिर लाइट ऐसे आई नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब कि कुछ प्लेन्स ऐसे होंगे जो सिर्फ ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे। अब ये वाला प्लेन है मान लो, तो लाइट ऐसा ही नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करे। ऐसे बहुत सारे प्लेन होंगे, ऐसे 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 रिफ्लेक्शन आता रह जाता है। ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात क्लियर हुई? तो ऐसे करके हमें लेयर लाइंस मिलती चली जाएंगी, मिलती चली जाएंगी, मिलती चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएगा, यहाँ तक कोई डाउट है?
अब सवाल ये आता है कि यार लेयर लाइन से हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को कैसे देख सकते हैं? देख सकते हैं। देखो, अगर मान लो कोई प्लेन है, HKL, जिसके मिलर इंडिसेस हैं, और हमने इस प्लेन को, मतलब कि क्रिस्टल को, कुछ इस तरीके से माउंट करा कि उसकी सी एक्सिस, भाई क्रिस्टल के अंदर तीन एक्सिस होती है ना, ए बी सी, उसकी सी एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो जाए। सुनो आराम से। हमने क्या काम करा है, इस क्रिस्टल को इस तरीके से माउंट करा कि उसकी सी एक्सिस या कोई सी भी एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। मतलब कि वो तो डिफ्रेक्शन दिखाएंगे नहीं भाई, मान लो ऐसे कर उसके परपेंडिकुलर कर दो, वो तो रिफ्लेक्शन दिखाएंगे नहीं। मतलब कि वो वाला प्लेन गया, आपके पास बचेगा कौन सा प्लेन, सिर्फ एच के जीरो, ये तो प्लेन बचेगा। मतलब कि यहां समझना, और ये जो दो लेयर के बीच की दूरी होगी वो सी कैलकुलेट हो जाएगी, सी वेक्टर या सिंपली सी। मतलब हमने क्या काम करा, हमने ये करा कि क्रिस्टल को हम क्या काम करें, इस तरीके से रखें कि उसकी सी एक्सिस जो हो वो क्या हो जाए, सी एक्सिस हो वो क्या हो जाए, मतलब के, मतलब इंटरसेप्ट जीरो हो जाए। मतलब ये कि उसकी जो सी एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो जाए, जिससे होगा क्या कि सिर्फ मिलर इंडिसेस हमारा एच के बचेगा और लेयर लाइंस के बीच की जो दूरी होगी वो सी हो जाएगी। भाई सी क्या है, लैटिस पॉइंट्स की दूरी ना, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, लैटिस पॉइंट सी। ऐसे ही क्रिस्टल को इस तरीके से रखो कि ए एक्सिस जो होगी उसकी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो जाए, तब हमारा प्लेन कौन सा बच जाएगा, जीरो के एल, वहां से ए निकल जाएगा। फिर हमने लेयर लाइंस निकाली, ए निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, सी निकल जाएगा, ऐसे ही हमारे ए बी सी निकल जाएंगे। और अगर हमें ए बी सी फाइंड आउट हो गए, सुनना ध्यान से, अगर हमें ए बी सी फाइंड आउट हो गए तो मेरे भाई, मेरे हिसाब से ब्रेविस लैटिस की मदद से हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो क्रिस्टल है वो किस टाइप का है, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है। और अगर स्ट्रक्चर भी पता है तो डी वी सब निकल जाएगा। क्लियर हो, समझ में आया? तो ये हमारा एक रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड था जो मैंने आपके साथ शेयर करा। उम्मीद है आपको कोई भी डाउट नहीं होंगे, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।